हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में, जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, जो कि मेरी क्लास नंबर 3 है, इसमें मैं आपको इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन के जो हमारे बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं डिस्कस करवाऊंगा। ये आज की हमारी क्लास आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, ऐसा नहीं है। अभी इस चैप्टर पर बहुत सारी क्लास और होनी बाकी है। ये चैप्टर अपने आप में काफी लेंदी चैप्टर है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 या 6 क्लासे टोटल इस पर लगेंगी, या अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं इस पर 7 क्लासे भी टोटल ले सकता हूँ। तो आज की तीसरी क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ चीजें आज कवर करेंगे और बाकी चीजें हम अपनी अगली क्लासेस में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों ने अभी तक का अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, और जितनी भी पिछली क्लासेस आपकी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं यूट्यूब पर वो भी आपने कवर कर ली होंगी। तो अगर आपको अभी तक के किसी भी डिस्कशन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, डाउट है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या ओवर द ईमेल भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर ऑलरेडी हर वीडियो में आपको दे रखा है, तो नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा नंबर और ईमेल आईडी दोनों मेंशन है। आप यहां से मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन के कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उससे पहले लास्ट क्लास का एक रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ स्टार्टिंग करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब आप उसे ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई थी जिसे आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे एज पर दी सेक्शन 47। उसमें मैंने आपको लगभग लगभग 12 और 15 ट्रांजेक्शन बताई थी जिसे आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझा था, आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन उस साल में अराइज होता है जिस साल आप उसका ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहां पर इस बात के 4 एक्सेप्शन थे, तो वो 4 एक्सेप्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे और बताया था कि जब मैं इन पर्टिकुलर सेक्शंस पर आऊंगा तो वहां पर और डिटेल में इनका डिस्कशन करूंगा। तो 4 सेक्शन अगर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल गेन उस साल अराइज नहीं होगा जिस साल ट्रांसफर हुआ होगा, कैपिटल अराइज होगा किसी और ही प्रीवियस ईयर में। इसके बाद फिर मैंने आपसे बात करी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है किसी चीज को पाने में, किसी चीज को एक्वायर करने में, किसी चीज को बनाने में आपने क्या पैसा खर्च किया है, आपने क्या पेमेंट करी है या आपने क्या इंकर्ड की है, कोई पेमेंट आपने कितनी इंकर्ड की है। तो यहां पर फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड टू कंस्ट्रक्ट द एसेट, टू एक्वायर द एसेट इज आल्सो पार्ट ऑफ एसेट, तो उसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही पार्ट बनाकर चलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ परचेज्ड एसेट, मतलब कोई एसेट अगर आपने परचेज करी है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो यहां पर दो सेग्रीगेशन बने थे। अगर वो एसेट आपने 2001 से पहले खरीदी है तो उस केस में जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और जो एफएमवी है 1 अप्रैल 2001 को, विच एवर इज हायर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और दूसरा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी है तो उस केस में जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। फिर मैंने इसके बाद आपके साथ बात करी थी इन केस ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, मतलब कोई ऐसी एसेट है जो आपने खरीदी नहीं है, उसको खुद बनाया है, सेल्फ जनरेट किया है। तो यहां पर फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है कि इन केस ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड एसेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला था गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकती तो ऐसे में कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ओवर रूल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लॉ अमेंड करके। सेक्शन 55 में अमेंडमेंट लेके आए थे जहां पर यह बोला था कि अगर कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो सकती है तो कैपिटल गेन भी डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो ऐसे में हम ये कह देंगे कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स हैं, सेल्फ जनरेटेड इस तरह की एसेट्स हैं जहां पर कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लग रही थी, तो वहां पर उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल।
तो द मोमेंट व्हेन यू से द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, तो इसका मतलब अब आपने ये कह दिया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन हो गई है, और वो की और जो वैल्यू वो डिटरमाइन हुई है वो निल वैल्यू है। तो जैसे ही आप कहते हैं निल वैल्यू है, इसका मतलब आप कैपिटल गेन के दायरे में आ जाते हैं। तो यहां पर फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 55 में अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने इस बात को चेंज कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली जो नई पोजीशन निकल के आई थी वो हमारी कुछ इस तरह थी कि अगर गुडविल है विच इज अदर और अदर रिलेटेड करंट एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, तो उस केस में अगर आपने इन्हें परचेज किया है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो होगी जिसे जिस प्राइस पर आपने इसे खरीदा है, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप प्रोफेशन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ बिजनेस निल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सेक्शन 55 एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 55 ने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल बी कंसीडर्ड एज निल, लेकिन सेक्शन 55 में उन्होंने प्रोफेशन वर्ड को नहीं जोड़ा। तो यहां पर अगर प्रोफेशन का कोई केस होगा और प्रोफेशन में गुडविल अगर सेल होगी या ट्रांसफर होगी तो वहां पर अगेन प्रॉब्लम वही है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकती है। तो सेक्शन 55 केवल और केवल आपको बिजनेस की गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेने की बात करता है, प्रोफेशन की गुडविल को निल लेने की बात नहीं करता। तो प्रोफेशन में चैलेंज अभी भी वही है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकती, एंड हेंस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी श्रीनिवासा वाली वो एप्लीकेबल हो जाएगी और यहां पर कोई कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने लिखा था नो कैपिटल गेन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज स्टिल एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। तो यहां तक मैंने आपसे बात करी थी, फिर मैंने आपको कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताई थी इन केस ऑफ अ सिक्योरिटीज एंड शेयर। और यहां पर फिर एक चीज और है जो आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप केस थ्री में आते हैं, मतलब आप ऐसी सिक्योरिटीज या शेयर्स की बात करते हैं विच इज अ ओरिजिनल शेयर, विच इज अ बोनस शेयर, विच इज अ राइट शेयर, राइट रेनाउंसमेंट और राइट रेनाउंसमेंट की सेल, मतलब ये राइट शेयर और बोनस शेयर की बात हो रही है, तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है टू टेक दी एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो यहां पर इन वाले एसेट्स के रेस्पेक्ट में आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो अपनी कॉस्ट ले लीजिए या 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी ले लीजिए, विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपने देखा होगा बोनस शेयर के केस में भी मैंने बोला था कि अगर ये शेयर आपके अलॉट हो गए हैं बिफोर 2001, 1 अप्रैल 2001, तो यहां पर आप एफएमवी ले सकते हैं अगर आपने 2001 से पहले उन शेयर्स को परचेज किया था या आपको वो बोनस शेयर 2001 से पहले मिले थे। क्लियर है हम यहां तक? फिर इसके बाद मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर आप अपना राइट बेच देते हैं तो जो व्यक्ति उस राइट को खरीदेगा उसको डबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डबल का मतलब एक तो वो पैसा पे करेगा उस कंपनी को जिसके वो शेयर खरीद रहा है, और एक वो पैसा पे करेगा आपको जिससे वो राइट खरीद रहा है। तो उसके लिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उस पर्सन के लिए जो इस राइट को खरीद रहा है वो यहां पर ₹120 शेयर के और ₹5 अपने राइट को खरीदने के, तो टोटल ₹125 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर बनाएगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं अब आपसे आज के कॉन्टिन्यूएशन में, ऐसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स, मतलब वो कैपिटल एसेट्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। अब कौन कौन सी कैपिटल एसेट्स हैं जिसे स्पेसिफाई किया गया है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिएगा, ऑप्शन टू टेक एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा एफएमवी लेने का, यहां पर आपकी जो कॉस्ट होगी वो वही होगी जो यहां पर लॉ में मेंशन की गई है या जो आपने एक्चुअल इंकर किया होगा। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले आता है गुडविल ऑफ अ बिजनेस, द एक्वायर्ड कैपिटल एसेट, अगर आपने कैपिटल एसेट को परचेज किया था तो उस केस में जो आपने परचेज प्राइस दिया था वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। लेकिन अगर ये सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट है तो लॉ ने यहां पर सेक्शन 55 के थ्रू क्लियरली बोल दिया कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज निल।
इन केस ऑफ अ गुडविल ऑफ अ बिजनेस व्हेन इट इज सेल्फ जनरेटेड। क्लियर है? तो यहां पर सेक्शन 55 की वजह से ये काम हुआ कि यहां पर निल वैल्यू लिख दी गई और यहां पर एफएमवी लेने का ऑप्शन भी आपको नहीं दिया। क्लियर है? दूसरा, क्या चीज यहां पर लिखी गई स्पेसिफाइड में? ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम। तो अगर आपने ये एक्वायर करी है, परचेस करी है, तो जितना परचेस प्राइस आपने पे किया है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो उस केस में निल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज एन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तीन एनसी राइट सेम, परचेस किया है तो परचेस प्राइस, सेल्फ जनरेटेड है तो निल। स्टेज कैरीज परमिट, लूमार्स राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। तो इनको अगर आपने परचेस किया है तो आपके लिए परचेस प्राइस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, और अगर आपने इन्हें परचेस नहीं किया, सेल्फ जनरेट किया है, तो निल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। स्टूडेंट्स, दीज एसेट्स आर नथिंग, यहां पर इसको आप फोर कर लीजिएगा, इट इज नॉट वन, इट इज 1/4/2001। So these assets are nothing, these are the intangible assets. आप देखिए जितनी भी assets मैंने यहां लिखी हैं, these are the intangible assets. तो ये कह रहे हैं जो intangible assets होंगी उसके केस में cost of acquisition, अगर वो purchase का केस है तो purchase price बन जाएगी, और अगर वो self-generated का केस है तो उस केस में आपके लिए nil value will be considered as a cost of acquisition. Clear है यहां तक? अब आप आइएगा पॉइंट नंबर फाइव पर, विच इज द केस नंबर फाइव, मींस एनी अदर एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि यहां पर आप क्वेश्चन में गलतियां करेंगे, उन गलतियों को जब जब आप करेंगे मैं आपको वहां इसी पॉइंट पर वापस लेके आऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि मैंने आपको बोला था आप यहां गलतियां करेंगे और देखो आप गलती कर रहे हैं। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल नॉट बी निल, बट मतलब निल तो नहीं होगी। वो कह रहे हैं जो हम आपको केस बताने जा रहे हैं यहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं होगी, बट विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी acquired it। आइएगा एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पर चलते हैं, फिर लॉ को समझेंगे। तो मान लीजिए यहां पर एक फादर है, फादर ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी कितने रुपए में करी, 1,00,000 रुपए में। क्लियर? फादर ने ये प्रॉपर्टी अपने सन को ट्रांसफर कर दी, ये प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर कर दी अपने सन को। कैसे ट्रांसफर करी? बाय वे ऑफ विल, आपने विल के थ्रू ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। किसको ट्रांसफर कर दी? सन को। मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहला सवाल, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई है Certain transactions are not regarded as transfer. तो बताइए जब ये फादर अपने सन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा by way of will, क्या आप इसे ट्रांसफर मानेंगे? Yes or no? सोचिए, ध्यान लगाइए, लास्ट क्लास पे क्या बताया था मैंने? कुछ transactions ऐसी होंगी जहां पर आपको लगेगा कि ये ट्रांसफर है, लेकिन लॉ उसे फिर भी ट्रांसफर नहीं मानेगा। सेक्शन 47 आपको मना करेगा कि ये ट्रांसफर नहीं है। देखिएगा सेक्शन 47 पर आके फिर से एक बार, सबसे पहली एंट्री क्या लिखी हुई है सेक्शन 47 में? सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिसमें पॉइंट नंबर 2 लिखा है अ गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। मतलब आप कहते हैं कि मैं गिफ्ट दे रहा हूं, मैं विल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, या मैं इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उस केस में आप उसे क्या नहीं मानेंगे? आप उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो अब मुझे बताइए, जब एक फादर अपने सन को बाय वे ऑफ विल कोई प्रॉपर्टी देगा तो वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, और अगर वो ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी
तो क्या कोई कैपिटल गेन आएगा? नहीं सर, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। चलते हैं आगे इसी स्टोरी में। अब सन ने भी ये प्रॉपर्टी अपने सन को बाय वे ऑफ विल ट्रांसफर कर दी। सर जब ये वाला सन, मतलब सन ए है, इसने ये प्रॉपर्टी अपने सन को, जो कि फर्दर एक सन है बी, उसको ट्रांसफर कर दी। मतलब मान लीजिए ये आपके ग्रैंडफादर हैं, उसके बाद आपके ये फादर हो गए और यहां पर आप हो, ये आप खुद हो। तो अब ऐसे में जब आपको ये प्रॉपर्टी मिली बाय वे ऑफ विल, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर मानोगे? नहीं मानेंगे। ऐसे समझो, जब आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को एक प्रॉपर्टी दी थी बाय वे ऑफ विल, उस समय पर आपने इसे ट्रांसफर माना था? नहीं माना था, क्योंकि सेक्शन 47 कहता है सर्टेन ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अब आपके फादर ने बाय वे ऑफ विल ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी, क्या आप इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर मानोगे? आंसर इज नो, इसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। रीजन, इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दी सेक्शन 47, फ्यू ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, क्योंकि ये बाय वे ऑफ विल ट्रांसफर हुई है। अब सवाल ये आता है, आपने ये प्रॉपर्टी उठाकर बेच दी, आपने एक्चुअली में इसको बेच दिया, या मैं कह सकता हूं आपने एक्चुअली में इसको ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर अब सवाल ये आता है कि जब आप इसे ट्रांसफर करेंगे, जब आप इसे बेचेंगे, तो क्या आपके ऊपर कैपिटल गेन आएगा? हाँ सर, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? देखो, कैपिटल गेन लाने के लिए दो बातें पूरी होनी चाहिए, पहली कैपिटल एसेट और दूसरा ट्रांसफर। तो क्या ये प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। क्या ये जो आप सेल कर रहे हो, इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांसफर? हाँ जी, इसको आप ट्रांसफर भी मानेंगे। तो जब ये दोनों बातें पूरी हो गई तो कैपिटल गेन आएगा। अब सवाल ये आता है, सर कैपिटल गेन आएगा तो आप कैसे निकालोगे? आपको चाहिए सेल कंसिडरेशन, तो चलो ये तो आपको मिल जाएगा, जितने में आपने बेची होगी वो आपका सेल कंसिडरेशन हो गया। लेकिन आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? आपने ये चीज तो खरीदी ही नहीं थी, बताइए आप हैं यहां पर, ये आप हो, आपने इस चीज को खरीदा था क्या? नहीं सर, आपको तो ये चीज कैसे मिली थी? आपके फादर से मिली थी, और वो भी कैसे मिली थी? गिफ्ट में मिली थी, विल में मिली थी, या इरिवोकेबल ट्रस्ट में मिली थी? आपने तो इस चीज को खरीदा ही नहीं था। तो अगर आपने इस चीज को खरीदा नहीं था, तो ऐसे में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करूं, निल मान लूं? नहीं, अभी मैंने आपको बताया, इन सर्टेन ट्रांजेक्शन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल नॉट बी निल बट विल डीम्ड टू बी द, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो। अब आप कहते हो कि चलो सर, मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी, मैं अपने फादर से पूछता हूं कि उन्होंने ये कितने में खरीदी थी। आप अपने फादर से पूछ रहे हैं, अब फादर जी ये प्रॉपर्टी आपने कितने में खरीदी थी, मुझे बताओ प्लीज, ताकि जब मैं अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करूं तो मैं वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल पाऊं। अब आपके फादर आपको क्या जवाब देंगे? बेटे ये प्रॉपर्टी तो मैंने भी नहीं खरीदी थी, ये प्रॉपर्टी तो मुझे भी मेरे पिताजी से गिफ्ट में या विल में या इरिवोकेबल ट्रस्ट में मिली थी। तो अब इसका आंसर कौन देगा? ये बेटा जाएगा अपने दादाजी के पास और दादाजी से पूछेगा, दादाजी दादाजी प्लीज मुझे बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी आज मैं बेचने जा रहा हूं, ये आपने कितने में खरीदी थी? क्या आपने भी खरीदी थी, या आपको भी कहीं से फ्री में मिल गई थी, गिफ्ट में मिल गई थी, विल में मिल गई थी, या इरिवोकेबल ट्रस्ट में मिल गई थी? तो यहां पर अब दादाजी फाइनली इस बात का जवाब देंगे और वो बताएंगे कि नहीं बेटे, ये प्रॉपर्टी मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी थी, ये प्रॉपर्टी मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी थी। तो अब इस बेटे को, मतलब ये जो सन है यहां पर, इसको आंसर मिल गया किस बात का? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कंसिडर करेगा 1 लाख रुपीज। ये बेटे को आंसर मिला या लॉ ने आंसर दिया है? लॉ ने आंसर दिया है। अब चलते हैं लॉ पर।
और देखते हैं लॉ में इस बारे में क्या लिखा है। पढ़िएगा पॉइंट नंबर केस नंबर 5 फिर से मेरे साथ स्टार्टिंग से। इन केस ऑफ अदर मोड्स, मतलब अगर कोई दूसरी ट्रांजेक्शन्स है, कुछ और है, तो वहां पर क्या होगा, देखिए। इन केस ऑफ अदर मोड्स इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब जो अब हम नीचे केस देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल नॉट बी निल। यहां पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है निल नहीं होगी, याद रखिएगा निल नहीं होगी, बट विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से मिलती है, इन इन केसेस के थ्रू मिलती है, तो इस केस में जो आपका प्रीवियस ओनर होगा उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। इस केस में क्या होगा, जो आपका प्रीवियस ओनर था जिससे आपको प्रॉपर्टी मिली थी उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। और व्हेन आई से प्रीवियस ओनर, तो प्रीवियस ओनर का मतलब लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है, प्रीवियस ओनर मतलब वो प्रीवियस ओनर जिसने एक्चुअली इसकी पेमेंट करके इसको एक्वायर किया था। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें सन के लिए प्रीवियस ओनर कौन है, ये फादर, लेकिन इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर नहीं होगी क्योंकि इन्होंने भी पैसे देके नहीं खरीदी थी। तो ऐसे में किसकी कॉस्ट ली जाएगी, ठीक इनसे पीछे जो कि है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने ये प्रॉपर्टी जितने में खरीदी थी पैसे देकर, वो वैल्यू आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी इस वाले केस में। क्लियर है, वापस आ जाते हैं लॉ पे। तो यहां लिखा हुआ है वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसेसी, जब कोई कैपिटल एसेट किसी एसएससी की प्रॉपर्टी बनती है, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ अंडर अ विल और गिफ्ट बाय सक्सेशन इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अंडर अ ट्रांसफर और अ रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, या अंडर एनी ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सेक्शन 47 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6 एंड क्लॉज 6 बी। तो उस केस में आप इन ट्रांजेक्शन्स में अगर आपका कोई ट्रांसफर आता है तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। क्लियर है, तो यहां पर क्योंकि आपने इन चीजों को तो फ्री में लिया था, आपको तो कुछ बिना पैसे दिए मिली थी, तो प्रीवियस ओनर जिसने एक्चुअली इनको खरीदा होगा वो आपके लिए यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं होगी, रादर प्रीवियस ओनर ने जितने में इसको खरीदा होगा, अगर प्रीवियस को भी फ्री में मिली है तो ठीक उसके पिछले वाले ने, तो एक कब तक आप जाते रहेंगे, जब तक आपको वो ओनर ना मिल जाए जिसने एक्चुअली में इसे पैसे देके खरीदा था। पैसे देने का मतलब जिसने एक्चुअली में इसकी कोई पेमेंट करी थी, चाहे पेमेंट इन काइंड करी थी, चाहे उसने कैश या बैंक की फॉर्म में करी थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। एक और चीज देखिएगा, पॉइंट नंबर 7 इसी में कवर है बेसिकली, कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, 1 2 3 4 5 6, इसी में सातवां पॉइंट है, वेयर द एसएससी इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बाय एनी मोड रेफर टू इन सेक्शन 64(2). तो अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और आपको 64(2) में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, 64(2) क्या है इसकी मैं बात करूंगा आपके साथ क्लबिंग में और अदर सोर्स में, तो वहां इसको कवर करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर एचयूएफ एंड दैट प्रॉपर्टी इज रिसीव बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64(2), तो उस केस में भी आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो ठीक प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। प्रीवियस ओनर का मतलब यहां पर एक्सप्लेन किया गया है,
प्रीवियस ओनर मीन्स द लास्ट प्रीवियस ओनर ऑफ अ कैपिटल एसेट हु एक्वायर्ड इट थ्रू अ मोड ऑफ एक्विजिशन अदर देन रेफर टू इन क्लॉज अबव। तो ऊपर जो तरीके बताए गए हैं उसके थ्रू आप ओनर बने हो तो यहां पर इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा अगर आप ओनर बने हो, उनमें से किसी भी तरीके को छोड़ के आप ओनर बने हो, तो वो ओनरशिप आपकी कंसीडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रीवियस ओनर। मतलब यहां पर हम बेसिकली ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये एसेट पहली बार जब खरीदी गई थी उस पूरी चेन में, तो किसने खरीदी थी, कैसे खरीदी थी और कितने में खरीदी थी। क्लियर है हम यहां तक? इसके आगे देखिए एक छोटा सा पॉइंट और। पूरे कैपिटल गेन के चैप्टर में याद रखिएगा, मैंने इसको यहां पर लिख दिया है, अदरवाइज मैं इसको सबसे पहले ही आपको बताना चाह रहा था, लेकिन तब आपको ये चीजें शायद समझ नहीं आती, तो वो मैं आज आपको समझा रहा हूं। नो डिडक्शन शेल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर हेड कैपिटल गेन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ अ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो जैसे एक इनकम टैक्स होता है, जैसे जीएसटी होता है, या और भी कोई टैक्सेस होते हैं, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी है जो एप्लीकेबल होता है ऑन सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शंस पर। मतलब जब आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदते और बेचते हैं, तो वहां पर आपको एसटीटी नाम से एक टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज टू बी कॉल्ड एज एन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब कैपिटल गेन ये कहता है, कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई एसटीटी पेड किया है, चाहे खरीदते समय पे किया है, चाहे आपने शेयर को बेचते समय पे किया है, हम आपको उसकी डिडक्शन नहीं देंगे, वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। तो याद है आपको फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, शेयर सेल्स कंसिडरेशन लेना है माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर करना है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर एसटीटी है तो ये भी तो एक तरह का एक्सपेंस ही है, लेकिन स्टिल एसटीटी की आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। कैपिटल गेन चैप्टर क्लियरली मना करता है कि देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ अ एसटीटी अंडर इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत आगे फिर क्वेश्चंस में जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वहां पर हो सकता है आप इस चीज को भूल जाएं, तो मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि देखो यहां लिखा था एसटीटी की डिडक्शन नहीं दी जाएगी। क्लियर है हम यहां तक? आई होप यहां तक आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में फिर से आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, वापस उन्हीं पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, विच इज दी पीरियड ऑफ होल्डिंग। व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू, बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चेक करने के लिए कि जो एसेट मैं बेच रहा हूं वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इट मींस कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैं बेचने जा रहा हूं तो वहां पर मुझे कोई कैपिटल गेन जैसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, आपको एसेट को 12 महीने होल्ड करना पड़ेगा, कुछ एसेट्स थी जो 24 महीने होल्ड करनी पड़ेंगी और कुछ एसेट्स थी जिन्हें आप 36 महीने होल्ड करेंगे। तो अगर आप कुछ एसेट्स को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, 36 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बन जाएंगी। अदरवाइज अगर आप उसे 12 महीने से कम होल्ड करते हैं या 12 महीने होल्ड करते हैं, इस वाले केस में 24 महीने या 24 महीने से कम होल्ड करते हैं, और इस वाली कैटेगरी में 36 महीने या उससे कम होल्ड करते हैं, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म बन जाएंगी। तो ये आपको क्यों है जरूरी डिटरमाइन करना, ताकि आप अपने कैपिटल गेन का भी सेग्रीगेशन प्रॉपरली कर पाए कि जो मेरा कैपिटल गेन मुझे अक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। क्यों जरूरी है ये भी, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको रेट ऑफ टैक्स बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म पे कितना रेट है, शॉर्ट टर्म पर कितना रेट है, तो क्योंकि वहां पर रेट्स अलग अलग हैं दोनों के, तो इसलिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मुझे अपने कैपिटल गेन का सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कि इसमें से कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म से बिलोंग करता है और कितना शॉर्ट टर्म से बिलोंग करता है। तो वंस यू डिसाइड कि ये मेरी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है, वंस यू डिसाइड ये मेरी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है,
उसके बाद ही आप अपना कैपिटल गेन कंप्यूट कर पाएंगे, विच इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब बात यह आती है कि ये जो मुझे 12 महीने का पीरियड देखना है, 24 महीने का पीरियड देखना है, 36 महीने का पीरियड देखना है, ये मुझे कब से कब तक का देखना है, कब से कब तक का देखना है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन आपका डेट ऑफ ट्रांसफर होगा, जिस दिन आपका डेट ऑफ ट्रांसफर होगा, मान लो आपने आज ट्रांसफर करी, टुडे इज 1/4/2000 लेट से 21, तो आज से ठीक पीछे 36 महीने, आज से ठीक पीछे 24 महीने और आज से ठीक पीछे आपको 12 महीने चेक करने हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो होल्डिंग का पीरियड होगा, मतलब जिसे मैं कहूंगा कि मैं इस चीज को होल्ड कर रहा था, ये कब से कब तक काउंट किया जाएगा? कोई चीज आपके पास थी, ये मैं कब से देखना शुरू करूंगा कि ये चीज आपके पास थी? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ओनर मिस्टर विकास बन जाता है। अब विकास जो यहां पर ओनर बनता है, वो बनता है 1/4/2017 को। अब मुझसे कोई पूछे, बताइए ये प्रॉपर्टी मिस्टर विकास ने होल्ड करनी शुरू करी थी कब से ये ओनर थे? तो आप क्या बोलेंगे, सर 1 अप्रैल 2017 से ये ओनर थे। अब अगर मैं ऐसे बोलूं, मिस्टर विकास ने यही प्रॉपर्टियां बेच दी, कब बेच दी, 30 जून 2018 को, तो मिस्टर विकास के पास ये प्रॉपर्टी कितने टाइम होल्ड रही? तो आप क्या बोलेंगे, मिस्टर विकास ने इस प्रॉपर्टी को 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक अपने पास होल्ड किया। तो इनकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आ गई, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब एक ऐसा पीरियड जिसके बीच में उस कैपिटल एसेट को आपने अपने होल्ड में रखा हुआ था, वो आपके होल्ड में थी। तो आप क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो किसके पास है, वो विकास के पास है, ऐसा ही बोलेंगे। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब निकला है, यहां पर फिर से समराइज कर देता हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब वो पीरियड जिस बीच में या जिसके दौरान आपने उस कैपिटल एसेट को अपने पास रखा हुआ था, That is the period of holding। तो जैसे जैसे मैंने हर एक केस में आपको cost of acquisition बताई कि इस वाले केस में cost of acquisition क्या होगी, इस वाले केस में cost of acquisition क्या होगी, वैसे वैसे ही आपको हर एक केस में period of holding भी देखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा scenario होगा तो उस केस में period of holding क्या लेंगे, इस तरह की अगर बात होगी तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे। तो मैं एक एक करके वापस उन्हीं पॉइंट्स पर आऊंगा। पहले मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताया था, अब मैं उन्हीं पॉइंट्स पर आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में बताऊंगा। आइएगा बुक पर, पीछे आ जाते हैं हम, जहां पर मैंने एसेट को परचेस किया था। तो देखिए, अगर मैं कहूं मैंने एसेट को परचेस किया था, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने एसेट परचेस करी थी, तो अगर आपने एसेट परचेस करी थी तो उस केस में आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से ली जाएगी, जिस दिन आपने एसेट परचेस की थी। मैंने अभी जो एग्जांपल लिया, जो यहां पर मैंने आपको लिख के दिखाया, उसमें क्या बोला कि मिस्टर विकास ने इस प्रॉपर्टी को 1/4/2017 में परचेस किया, तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से शुरू होगी, सर जिस दिन आप इसको परचेस कर लेंगे उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग शुरू हो जाएगी, और कहां तक चलेगी, जिस दिन आप इसको बेच देंगे, जिस दिन आप इसका ट्रांसफर कर देंगे उस दिन तक आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग चलेगी। तो बताइए मेरे एग्जाम्पल में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या यही थी, बिल्कुल यही थी। तो यहां पर देखिए, इन केस ऑफ अ परचेज, मैंने यहां नहीं लिखा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्यों नहीं लिखा, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग जो नहीं लिखने के बाद भी अंडरस्टूड है कि इन केस ऑफ अ परचेज, जब आप परचेज करते हैं तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब जिस दिन आपने खरीदा उस दिन से लेकर जिस दिन तक आपने बेचा
वो दिन तक आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग या वो पीरियड आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहलाएगा। कोई इश्यू है यहां तक? नहीं सर। सर अगर सेल्फ जनरेटेड केस है, सेल्फ जनरेटेड मतलब गुडविल का केस है, कॉपीराइट पेटेंट इस तरह की कोई बातें हैं, तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी आप बताइए। जो चीज अस्पर्शनीय है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कैसे निकालेंगे? जिसे आप देख ही नहीं सकते उसको आप कैसे कहेंगे कि मैंने कितने टाइम इसे होल्ड किया? तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? नॉट एप्लीकेबल होगी, वहां पर कोई पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो परचेज्ड का केस है, मैं ये कहता हूं कि उसे आपने परचेज किया था, तो उस केस में आप पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? सर जिस दिन आपने परचेज किया था वहां से लेकर जिस दिन तक आप उसे ट्रांसफर करेंगे वहां तक का पीरियड आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहलाएगा। केस नंबर 3 पर आइएगा। इन केस ऑफ अ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, तो मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर पहली बार खरीदा है, तो आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? सर जिस दिन आप वो शेयर खरीदेंगे वहां से, और कब तक? जिस दिन तक आप वो शेयर बेच देंगे। तो अगेन मेरे वाले केस में आइए, मान लीजिए 1/4/2017 को पहली बार मैंने टाटा मोटर का शेयर खरीदा और 30/6/2018 को मैंने बेच दिया, तो मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बन जाएगी? 1/4/17 से 30/6/18। तो यहां पर देखिए ओरिजिनल शेयर के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग जो कि मैंने पहले आपको छुड़वा दिया था, अब मैं कवर करवा रहा हूं। द पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और अलॉटमेंट ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन आपने ये सिक्योरिटी शेयर परचेस किया होगा या आपको अलॉटमेंट मिल गई होगी। क्लियर है? बोनस शेयर, बताइए बोनस शेयर क्या होता है? कंपनी कहती है आपके पास 1,000 शेयर हैं, मैं 1,000 शेयर पे 1,000 शेयर का बोनस दे रही हूं, फ्री में आपको ये शेयर दे रही हूं। अब बोनस शेयर के रेस्पेक्ट में बताइए आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी जिस दिन आपको वो बोनस शेयर अलॉट हो जाएगा। तो मान लीजिए टाटा मोटर अनाउंस करती है कि मैं 1,000 शेयर पे 1,000 शेयर का बोनस दे रही हूं, अनाउंस करने के 6 महीने बाद आपको बोनस शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, तो जिस दिन आपको वो शेयर अलॉट हो जाएगा उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। पढ़िएगा, द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और अलॉटमेंट ऑफ द शेयर और सिक्योरिटी विल बी कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ अ बोनस शेयर। राइट शेयर, राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर होता है जहां पर कंपनी आपको अधिकार देती है कि ये आपके पास अधिकार है 1,000 शेयर खरीदने का, आप हमारे पास आओ हम आपको 1,000 शेयर बेच देंगे इस प्राइस पर, ये आपके पास राइट है, ये अधिकार आपको मिला। तो इस अधिकार को अगर आप बेच देते हैं किसी को तो कैपिटल गेन आता है, और जब कैपिटल गेन आता है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों आएगी? ताकि ये देखा जाए कि ये जो आपका राइट था ये लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉ में बोला गया है, क्लियरली बोला गया है कि राइट अगर कभी आपको मिलता है टू बाय दी शेयर, टू बाय दी सिक्योरिटी, वहां पर वो जो राइट होगा दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, वो हमेशा 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 क्या होगा? शॉर्ट टर्म ही होगा। और लॉजिक भी है इस बात का, भाई कंपनी आपको आज अधिकार देगी तो वो 12 महीने का इंतजार नहीं करेगी, वो ये नहीं कहेगी कि मैं आपको आज अधिकार दे रही हूं और 12 महीने तक आप इसको रखो अपने पास, जो करना है 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने या 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में ये कर लो, 3 महीने के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, जो राइट का अधिकार आपको मिला है वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए इसे लॉजिकली कहा गया कि अगर अधिकार भले ही आपको लंबे समय के लिए भी दे दिया जाए तब भी वो क्या होगा? हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। अब बात करते हैं राइट शेयर सिक्योरिटी परचेज बाय अ पर्सन हु टू हुम राइट इज इशूड। अगर मान लो आपको राइट शेयर मिलता है और आप उस राइट को परचेज भी कर आते हैं कंपनी से, तो आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी वो किस दिन से शुरू होगी? द डेट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर। तो मान लीजिए आपको अप्रैल महीने में राइट मिला लेकिन आपने उसको सब्सक्राइब जाके किया जून के महीने में, आप अप्रैल सोचते रहे, मई में सोचते रहे, जून में फाइनली ओवर होना था पीरियड, आप जून में जगे
और कंपनी के पास पहुंचे कि अब मुझे राइट शेयर खरीदने हैं, जो आपने मुझे राइट दिया था उस राइट को मुझे सब्सक्राइब करना है। तो जिस दिन आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा नेक्स्ट केस में देखते हैं, जहां पर राइट शेयर आप किसी को बेच देते हैं, तो जिसको आप बेचते हैं उसके लिए कब से पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगी? अगेन जिस दिन उसको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो मान लीजिए टाटा मोटर ने राम को राइट दिया था 1,000 शेयर खरीदने का, राम का मन नहीं था शेयर खरीदने का, राम ने ये राइट मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने ये राइट मान के चलो मई में खरीदा, बट मोहन ने एक्चुअली में शेयर सब्सक्राइब करे जून में जाके, तो जो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द जून ऑनवर्ड्स। तो जिस दिन जून में उसने शेयर अलॉटमेंट करवाई, एक्चुअली में उसके पास अलॉटमेंट आ गई, तब से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आई होप पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर आप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। और फिर भी अगर मान लो आप पूछना नहीं चाहते तो मैं आपको बता दूं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके तो वहां पर आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कंप्यूट करनी है, कहाँ तक कंप्यूट करनी है और कैसे कैसे कंप्यूट करनी है। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट पेज पर, पीरियड ऑफ होल्डिंग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल में। वैसे तो मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब है, बट फिर भी एक बार इसे इस पॉइंट के एस्पेक्ट से भी देख लेते हैं। द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी शेल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड बाय द सीबीडीटी इन दिस बिहाफ। तो ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये एज पर रूल्स निकाली जाएगी। कौन से रूल? जो सीबीडीटी बनाएगी। सीबीडीटी का काम है रूल्स बनाना, तो सीबीडीटी रूल बनाएगी, उस रूल के अकॉर्डिंग हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कंप्यूट करेंगे। देखिएगा यहां पर मैंने कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं आपको कि अगर इस तरह का कोई सर्कमस्टांसेस होगा तो वहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी कहां से शुरू होगी और कहां तक चलेगी, ये आपको यहां पर देखना है। रटना नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यहां जो लिखा है वो याद कर लेना है आपको। एक एक बार हर चीज का लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगाने के बाद आप उसे माइंड में रिटेन करिए, आपको लॉन्ग रन तक चीजें याद रहेंगी क्योंकि वहां पर आपने उसका लॉजिक समझा हुआ होगा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है आपके सामने, वेयर शेयर हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन। आपके पास एक कंपनी का शेयर है और वो शेयर आपको लिक्विडेशन के दौरान मिला है। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी का शेयर है जो आपको लिक्विडेशन के दौरान मिला है। अब यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से शुरू होगी, कहां तक चलेगी? तो कहां तक चलेगी वाला आंसर तो देने का कोई फायदा नहीं है भाई। कहां तक चलेगी मतलब जिस दिन आपने उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया है वहां तक आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है, लेकिन कहां से शुरू होगी ये हमें समझना होगा। देखिएगा क्या लिखा है, द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी शेल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर आपको कोई शेयर मिलता है अंडर अ लिक्विडेशन, तो जिस दिन उसका लिक्विडेशन हुआ था वो वाला दिन आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो जो दिन लिक्विडेशन का था वो दिन आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग में कंप्यूट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर से देखिएगा इस लाइन को, वेयर शेयर हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन देन द पीरियड ऑफ होल्डिंग द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, जिस दिन लिक्विडेशन हो गया था उस दिन के बाद से जो दिन है शेल बी एक्सक्लूडेड, वो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड, इसके आपने शेयर्स खरीदे। अब ये कंपनी के शेयर आपने मान लो 1 अप्रैल 2006 में खरीदे थे, ये कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद होने के प्रोसेस में चली गई। अब कंपनी लिक्विडेट हुई 31 जनवरी 2020 को,
अब यहां पर क्या हुआ कि 31 जनवरी 2020 को जब कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो यहां पर इस दिन के बाद से, 31 जनवरी 2020 के बाद से जो भी दिन होगा, यहां आगे जो भी टाइम चल रहा होगा, वो हम आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लॉजिकली सोचो, जब ये कंपनी लिक्विडेट हो गई तो ये कंपनी तो बंद ही हो गई। अब इसके बाद तो कोई कंपनी रह ही नहीं गई, ये शेयर अपने आप में ही खत्म हो गया, कंपनी लिक्विडेट हो गई। तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक होगी? जिस दिन आपने इसे परचेज किया था, तब तक जब आपने कंपनी लिक्विडेट करवा दी या एक्चुअल में कंपनी लिक्विडेट हो गई। तो कंपनी लिक्विडेट हुई 31 जनवरी 2020 को, तो इस दिन तक आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी। इस दिन के बाद के जितने भी पीरियड होंगे, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्लियर है हम यहां तक? इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर टू में, वेयर एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, द पीरियड फॉर विच द कैपिटल एसेट वॉज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इंक्लूडेड। तो ये वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको यहां पर दिया था, फादर एंड सन वाला। यहां पर सन को ये प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली थी, फादर को भी ये प्रॉपर्टी उनके फादर से मिली थी। तो ऐसे में अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन, मतलब कोई प्रॉपर्टी ऐसे में मिलती है बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ विल और बाय वे ऑफ इररिवोकेबल ट्रस्ट, या वो सभी 7 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए थे, यहां पर देखिए कहां समझाए थे मैंने वो 7 पॉइंट, ये वाले। तो इस वाले केस में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ओरिजिनल एसएससी की थी, प्रीवियस ओनर की थी, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी भी पीरियड ऑफ होल्डिंग बन जाएगी। क्योंकि जब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने की बारी आई थी, तो क्या आपकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी? नहीं सर। क्या आपके फादर की थी? नहीं सर। आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ली थी? ग्रैंडफादर की ली थी। तो जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ग्रैंडफादर की है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी ग्रैंडफादर का ही आएगा। तो यहां पर आइएगा वापस से, वेयर द एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49(1) जो कि मैंने अभी समझाए 7 पॉइंट, तो वहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट वॉज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इंक्लूडेड। तो आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, वो प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड करके ही निकाली जाएगी। वेयर थर्ड नंबर पॉइंट है, वेयर द इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इंटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट बाय द एसएससी। आप अपने घर की कोई कैपिटल एसेट उठा के ले गए हैं, सॉरी, आप अपने बिजनेस का कोई स्टॉक उठा के कैपिटल एसेट में बना के ले आए। याद है आपको मैंने एक एग्जांपल कराया था जहां पर आप अपने घर की कैपिटल एसेट उठाकर ले जाते हैं स्टॉक में। अब उल्टा हो रहा है, आप अपने स्टॉक को उठाकर ला रहे हैं घर में। तो जिस दिन आप उसे घर में लाएंगे, वो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल एसेट शैल बी कंसीडर। तो जिस दिन आप उसे कैपिटल एसेट बना देंगे, उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मानी जाएगी। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट? इसके बाद जितने भी मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, इसे आप एक बार होमवर्क में रीड करिएगा, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेनी है। क्योंकि ये सारे लॉजिक मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि एमलगमेशन क्या होता है। एमलगमेशन में दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं, तो जब वो नई कंपनी बनाती है, तो नए शेयर दे दिए जाते हैं, शेयर होल्डर से पुराने शेयर ले लिए जाते हैं और एक नया शेयर दे दिया जाता है। लेकिन अब आप ऐसे में सोचो, उसको जो नया शेयर दिया जाता है, वो तो पुराने शेयर के बदले ही दिया जाता है, पुराना शेयर छीन कर नया दिया जाता है। तो जो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, वो ओरिजिनल वाले शेयर की होल्डिंग भी इंक्लूड करते हुए निकाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 2016 में आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, लेकिन 2020 में वो कंपनी एमलगमेट हो गई और एमलगमेशन के बाद आपको नया शेयर दिया गया, तो आपके लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, वो नए शेयर वाली नहीं होगी, वो 2016 से ही काउंट की जाएगी। क्योंकि आपको तो ये शेयर जस्ट बदल के एक नया शेयर दिया गया है, कंपनी के एंड पर अमेलगमेशन हुआ था,
देन इन दैट केस जो प्रीवियसली हेल्ड शेयर था आपका पीकेओआर लिमिटेड का, एबीसी लिमिटेड का, एज द केस में भी, वो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड होगा। देख लीजिएगा, द पीरियड फॉर विच द शेयर वॉज हेल्ड बाय द एसएससी इन द अमेलगमेटिंग कंपनी शेल बी इंक्लूडेड। तो जो अमेलगमेटिंग कंपनी है, मतलब जो अमेलगमेट हो रही है, जुड़ रही है, उनका जो आपने शेयर होल्ड किया था, तो जहां से आपने वो शेयर होल्ड करना शुरू किया था, वो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जिस तरह से मैंने आपको होमवर्क में बोला और फिर मैंने आपको इसकी इंटरप्रिटेशन सिखाई, इसी तरह से आप अगले वाले पॉइंट की भी इंटरप्रिटेशन होमवर्क में रीड करेंगे, राइट वाला भी आप होमवर्क में पढ़िएगा, ये भी आपका होमवर्क है नेक्स्ट, एंड उसके बाद ये भी आपका सारा होमवर्क है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप यहां से इसको समझिएगा, इसमें ऐसी कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है जहां पर मुझे आपको बताना पड़े या मुझे इम्फेसाइज करना पड़े कि पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां पर क्यों और कैसे आई है। बट स्टिल अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रह जाता है इस पॉइंट पर, तो वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है ओवर द टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कॉल पर। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐसे क्यों ली गई है, क्या इसका लॉजिक है। बट ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल बात है जो आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगी। क्लियर? तो आप एक बार कोशिश जरूर करिएगा, फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, आई विल ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये भी आपका होमवर्क ही है, इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग बताई गई है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी स्वीट इक्विटी शेयर के रेस्पेक्ट में, तो ये आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है हमारे सामने स्टूडेंट्स पॉइंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको याद है फॉर्मेट कैसे चल रहा है, सेल्स कंसिडरेशन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो वो तो एक जनरल टर्म है कि ट्रांसफर पर किए गए सभी खर्चे आपके ट्रांसफर के खर्चे माने जाएंगे और वो माइनस हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो आप कोई ब्रोकर हायर करते हैं, वो ब्रोकर आपकी प्रॉपर्टी बिकवाने का काम करता है, तो जब वो प्रॉपर्टी ब्रोकर आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कराने का काम करता है, तो वो आपसे कुछ ना कुछ कमीशन लेता है, वो कमीशन आपका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कहलाता है और वो आपका डिडक्टेबल हो जाता है वाइल कंप्यूटिंग दी कैपिटल गेन। उसके बाद था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको समझा दिया अलग अलग केसेस में कैसे निकालनी है। उसके बाद था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब यहां पर इतना समझ लो कि किसी चीज को इम्प्रूव करने पर आपने अगर कोई खर्चा किया है, किसी चीज को इम्प्रूव करने पर आपने कोई खर्चा किया है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये तो हुआ जनरल मीनिंग, अब इसको डिटेल में एनालिसिस के साथ समझते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आइएगा मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन केस ऑफ अ गुडविल ऑफ अ बिजनेस। तो अगर गुडविल पे आप कहते हैं कि मैंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करी, तो उसके लिए आप इसकी वैल्यू को निल मान लेना। क्यों मान लेना? सेक्शन 55 याद करो, अगर निल ना माना होता, सेक्शन 55 पिक्चर में ना आता, अमेंडमेंट पिक्चर में ना आती, तो कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी इश्यू आता, लोग कहते कि मैंने खर्चा किया है लेकिन कितना किया है पता नहीं, तो कैपिटल गेन फिर अटक जाता। तो सेक्शन 55 में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट ये भी की गई कि जब आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानेंगे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी आपको निल मानना पड़ जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स हमारे सामने, वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रीवियस ओनर और एसएससी बिफोर 1/4/2001। तो अगर कोई कैपिटल एसेट 1/4/2001 से पहले की है, तो उसके ऊपर की गई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर इंकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन और ऑल्टरेशन टू द कैपिटल एसेट ऑन और आफ्टर 1/4/2001 बाय प्रीवियस ओनर ऑफ द एसएससी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले ले ली गई थी, 1/4/2001 से पहले ले ली गई थी, या उस पर आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो जितने भी खर्चे
1 अप्रैल 2001 के बाद किए गए हैं ऑन किस पर, ऑन एडिशन और ऑल्टरेशन टू द कैपिटल एसेट, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आगे देखिएगा, इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर इन ऑल केसेस। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी है, पहले एक्वायर कर ली है, या आप प्रीवियस ओनर की वजह से आपको वो मिल गई है, जो फादर और ग्रैंडफादर वाला केस था, तो उस केस में जो 1 अप्रैल 2001 से पहले के खर्चे होंगे वो सब इग्नोर हो जाएंगे, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद के जितने खर्चे होंगे, तो अगर वो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, इंप्रूवमेंट पर, रिपेयर पर, या इस तरह की ऑल्टरेशन पर, जो कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे वो हम आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानते हुए अलाउ करवा देंगे। मान लीजिए 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, आपने उसमें तीसरा फ्लोर बना दिया, इट इज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपने उसमें एक मेजर रिपेयरिंग करवाई, इट इज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, इन एनी अदर केस, तो अगर मान लीजिए कोई और केस है, द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर इंकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन और ऑल्टरेशन टू द कैपिटल एसेट बाय द एसएससी आफ्टर इट बिकम हिज प्रॉपर्टी। तो जिस दिन वो आपकी संपत्ति बन गई थी, उसके बाद जो भी आप उस पर खर्चा करोगे वो सब आपके लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में फर्क समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या फर्क है। पॉइंट नंबर 2 में वो बात कर रहा है जहां पर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी बिफोर 1/4/2001। तो 1/4/2001 से पहले अगर आपको प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो 1/4/2001 से पहले एक्वायर हो चुकी थी बाय प्रीवियस ओनर, तो वहां पर 1/4/2001 से पहले के जितने खर्चे होंगे वो इग्नोर कर देंगे, उसके बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बना देंगे, अगर वो केवल कैपिटल नेचर के हैं और वो खर्च किए गए हैं ऑन एडिशन और ऑल्टरेशन। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर ही 1/4/2001 के बाद करी है पॉइंट नंबर 3 में, तो वहां पर जो भी आप खर्चा करेंगे उसके बाद, ऑब्वियसली जब आपने बाद में एक्वायर करी है तो बाद में ही खर्चा करेंगे, पहले तो कर नहीं देंगे, तो वहां पर जो भी आप खर्चा करेंगे कैपिटल नेचर का, चाहे वो एडिशन पर हो चाहे ऑल्टरेशन पर हो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बन जाएगी। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा, अब मेरे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा बुक के ऊपर कि बुक में उसको कैसे लिखा हुआ है। तो पहले आप मेरी बात को सुनिएगा, प्रॉब्लम को समझिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसके बाद हम वापस आके बुक में लॉ को समझेंगे कि लॉ क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो सारी एक बेसिक बातें हैं, बेसिक अभी तो मैं आपको फंडामेंटल सिखा रहा था, अब मुझे आपको मेन चीज सिखानी है जो इस चैप्टर की जान है, जो इस चैप्टर की पूरी ताकत है। समझिएगा मेरी बात को कि यहां पर मैं आपको क्या चीज बोलना चाहता हूं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये आपके फादर ने एक्वायर करी थी और ₹1 लाख ऑन 1/4/2003। ठीक है जी, 1 लाख रुपए में एक्वायर करी थी, ये कैपिटल एसेट है। आपके फादर ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, मतलब बेच दी, और रुपीस कब बेची, रुपीस छोड़ दीजिए कब बेची, बता देता हूं, ऑन 20 फरवरी 2021 को। रुपए कितने में बेची ये प्रॉपर्टी, जो इन्होंने बेची वो बेची 45 लाख में। चलो 45 तो ज्यादा हो जाएगा,
मैं इसको कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी इन्होंने बेची 25 लाख रुपए में, ठीक है। मान के चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल है, मतलब इन्होंने इस प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी। अब आपके सामने फॉर्मेट है, फॉर्मेट को बताइएगा जरा। फॉर्मेट क्या कहता है कैपिटल गेन का? फॉर्मेट कहता है सेल्स कंसिडरेशन, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स कंसिडरेशन, जो कि मुझे कितना मिला 25 लाख रुपए, माइनस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो यहां पर कोई भी खर्चा नहीं है। उसके बाद क्या बच गया मेरे पास, 25 लाख। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1 लाख रुपए, क्लियर। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 0 है, तो ओवरऑल कितना आ गया, 1 लाख। यहां पर कैपिटल गेन कितना आ गया, 24 लाख। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, ये तो बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसमें तो कुछ ऐसी बातें ही नहीं है। कैपिटल गेन कितना आ गया मेरे सामने, 24 लाख। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को शायद अभी नहीं समझ पाए हो। प्रॉब्लम क्या है, मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ये कहते हैं कि सर 2003 में जब ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी और जब 2020 आ गई ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, तो क्या इन 17 सालों में, 2003 से लेके 2021 तक, इन 20 सालों में, 18 सालों में क्या कोई इन्फ्लेशन नाम की चीज नहीं हुई होगी? क्या महंगाई नहीं बढ़ी होगी? क्या इन्फ्लेशन नहीं आया होगा इंडिया में? क्या ये वैल्यू जो 25 लाख हो गई है, क्या इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हुई है? लॉ मेकर से यस, देयर इज अ इन्फ्लेशन। लॉ मेकर भी इस बात को समझते हैं, लॉ मेकर ने बोला यस वी अंडरस्टैंड देयर इज अ इन्फ्लेशन, तो उस इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है वैल्यू में जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, उस एडिशन पर, उस इंक्रीमेंट पर हम आपसे कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लेंगे। क्या कहा उन्होंने, फिर से सुनिए, जब आपने प्रॉपर्टी 2003 में खरीदी थी तब 1 लाख रुपए की थी, लेकिन आज 2021 में जब आप बेच रहे हो तो ये 25 लाख की है। हम मानते हैं एप्रिसिएशन होता है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है, तो जो उस समय पर 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, आज वो 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आज आप 1 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं, आपको 2 मिलती हैं, तब अगर आप 1 रुपए में खरीदते तो वो आपको 4 मिलती या 6 मिलती। आप याद करो 2006 का टाइम, 2005 का टाइम, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, उस समय पर आप 1 रुपए में कितनी सारी टॉफीज खरीद के लाते थे, और आज आप 1 रुपए में 1 टॉफी लाते हैं, तो कोई कोई टॉफी तो हो सकता है 2 रुपए या 5 रुपए की भी आती होगी। तो क्या होता है, यहां पर इन्फ्लेशन आता है। लॉ मेकर भी इस बात को मानते हैं, लॉ मेकर कहते हैं यस देयर इज अ इन्फ्लेशन। तो हम क्या करें कि इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू बढ़ी है उसको हम टैक्स ना करें। लॉ मेकर वॉन्ट्स टू मेक अ सिचुएशन जहां पर वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन की वजह से कोई वैल्यू बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई वैल्यू पर हम आपसे इनकम टैक्स नहीं मांगेंगे, वो हम कैपिटल गेन के दायरे में नहीं लाएंगे। तो दे हैव क्रिएटेड अ मेथड जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आज की वैल्यू में, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू में। आप शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे सीए फाइनल में, आईपीसीसी लेवल पर भी आपके हो सकता है, एसएफएम जो आपका इकोनॉमिक फाइनेंस वाला कोई सब्जेक्ट है उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू जैसी कोई चीज पढ़ने को मिले। तो क्या करने हैं लॉ मेकर यहां पर,
जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए की यहाँ दी गई है ना, इसको वो कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू में। कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में? दे हैव प्रिस्क्राइब्ड अ रूल, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक तरीका है इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, उन्होंने ये बोला कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी इसको आप एक बेस वैल्यू से डिवाइड कर दो। बेस वैल्यू का मतलब जो भी हम आपको एक बेस वैल्यू देंगे, वैल्यू वो देंगे, हमें अलग से कुछ मिला नहीं, वैल्यू भी वो देंगे। इस वैल्यू को वो कहते हैं CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो जैसे महंगाई दर आती है, इन्फ्लेशन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके अपने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आते हैं। तो उन्होंने बोला ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी आप इसे डिवाइड कर दो किससे? बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू का मतलब जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस समय पर आपकी महंगाई की दर क्या थी, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, और मल्टीप्लाई कर दो CII से, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से। लेकिन कौन से साल के? इन विच ईयर द ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, आपका ये जो 1 लाख रुपए का वैल्यू था 2003 के अंदर, ये कन्वर्ट होकर एक ऐसी वैल्यू में आ जाएगा जो वैल्यू होगी 2021 की। किस बेसिस पर? इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पर, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पर। तो इस बेसिस पर हमने आपकी वैल्यू कन्वर्ट कर ली। देन उसके बाद फिर जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, और उससे हम ये भी मेक श्योर कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि जो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है। भाई देखो, आज के 25 लाख तब के तो बहुत ज्यादा होते, या मैं कह सकता हूं तब के 1 लाख आज बहुत ज्यादा होते। अगर मैं तब 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीदता और मैं उसको आज कंपेयर करूं तो यहां तो बहुत वैल्यू हो जाएगी। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? तब 1 लाख रुपए कमाना बड़ा मुश्किल था, आज 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल नहीं है। तब 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा वैल्यू थी, तब 1 लाख रुपए में बहुत कुछ आता था, आज 1 लाख में कुछ नहीं आता। अगर मैं ये कहूं, बहुत सीधी सीधी भाषा में ये कहूं, तब 1 लाख रुपए आज 2 लाख रुपए के बराबर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो यहां पर ये क्या करना चाहते हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आपकी आज की प्रेजेंट वैल्यू पे। कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये कह रहे हैं आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड कर दो उस बेस वैल्यू से जिस बेस वैल्यू पर, जिस ईयर में आपने उस चीज को खरीदा था, एक्वायर किया था, और मल्टीप्लाई कर दो उस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिसमें आप इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब आप इसे ट्रांसफर कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, और जब खरीदा था उससे डिवाइड कर दो। तो इससे ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि तब के 1 लाख आज कितने बनते हैं। और जब आप ये पता लगा लोगे कि तब के 1 लाख की आज ये वैल्यू है तो फिर आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर मैं समराइज करूं पोजीशन को, तो क्या बोलना चाहते हैं यहां पर, ये कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन दी ट्रांसफर एंड दी एक्विजिशन, तो वहां पर क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यूज में फर्क आता है तो ऐसे में हम आपकी वैल्यू को इंडेक्स्ड कर देंगे। क्या कर देंगे हम? इंडेक्स्ड कर देंगे। ये वर्ड मैंने आपको अभी बताया है, नया वर्ड है आपके लिए, हम उसको क्या कर देंगे? इंडेक्स्ड कर देंगे। तो यहां पर जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया इसमें आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करेंगे, इसमें आप क्या माइनस करेंगे? इसमें आप माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज है? किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्या खर्चा किया, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज हो गई?
उसी वैल्यू को जब आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज दी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सवाल ये आता है, सर हमें कन्वर्ट करना कैसे है? तो कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सीआईआई डिवाइडेड बाय सीआईआई, सीआईआई ऑफ ईयर इन विच एसेट ट्रांसफर, भाई जिस साल कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट एक्वायर। अब बात आती है कि ये सीआईआई मुझे याद करने होंगे या क्वेश्चन में दिए होंगे? आंसर है क्वेश्चन में हमेशा दिए होंगे, हमेशा दिए होंगे, बस आपको जो याद करना होगा हद से हद, वैसे तो आपको एग्जाम में वो भी दिया होगा, बट अगर आपको याद भी करना होगा हद से हद, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का, आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का सीआईआई याद करना होगा हद से हद, अगर करना भी पड़ा तो, अदरवाइज तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। तो ये सीआईआई आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सीआईआई मैंने आपकी बुक में भी लिखे हैं, हर साल के अलग अलग सीआईआई आते हैं, देखिएगा। सबसे पहले सीआईआई मैं आपको अगले टेबल पर दिखा दूं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो फार हैव बीन नोटिफाइड। तो 2001 में शुरुआत हुई थी, 2001 में जब बेस लिया गया तो उन्होंने बोला आज हम एक बेस ले रहे हैं, 100 रुपए का बेस है, भाई स्टार्टिंग कहीं से तो करोगे ना। आपको अगर मैं और बैकग्राउंड पर लेके जाऊं तो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आप स्टार्ट देख रहे हैं 2001-2 से, इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाई 2001-2002, इट वॉज स्टार्टेड बाई 1981-82 When we were in a CA final or in IPCC, और हमारे टाइम पर तो PE2 होता था, तो जब हम P2 में थे, PE2 और या CA final में थे, तब ये CII नहीं थे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 2001-2 से, तब जो CII होते थे वो स्टार्ट होते थे 1981-82 से, लेकिन जब गवर्नमेंट 2013-14 के टाइम में आ गई, 2013-14 का टाइम आया, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रियलाइज कि हम आज भी सीआईआई ले रहे हैं 30 साल पीछे के। देखो ना 2013 में बैठ के अगर वो 1981-82 के सीआईआई की बात कर रहे हैं तो वो कितना पीछे की बात कर रहे हैं, दे हैव रियलाइज कि हम बहुत पीछे हैं अभी, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया और यहाँ पर नए सीआईआई रेट रिवाइज करे, तो मैं कह सकता हूं इट इज अ न्यू टेबल। तो यहां पर 2001-2002 को बेस रखा गया और उसके बाद हर साल गवर्नमेंट सीआईआई रिलीज कर दी गई, तो दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस, करते 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 आज हम 2020-21 में बैठे हैं और 2021 में जो सीआईआई हमारे सामने आया वो 301 रुपए का आया है, उसकी मैं कह सकता हूं वैल्यू 301 है। क्लियर सर? अभी आपने बोला कि 2013-14 में गवर्नमेंट ने बनाए, तो 2013-14 में बनाए तो फिर ये 1-2 का कहां से ले आए? स्टूडेंट्स 2013-14 में बनाए, लेकिन बनाए बेस लेकर 2001-2 को, तो 2001-2 में बेस लिया गया, मतलब उन्होंने ये सोचा 2013 में बैठ के उन्होंने ये प्लान किया कि 2001 में क्या वैल्यू रही होगी, तो उन्होंने कहा 2001 में 100 रुपए रही होगी, 100 रहा होगा सीआईआई, उसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट एवरी ईयर they have increased it and they released the list and finally आज हम पहुंच गए 301 पर। हर साल इशू किए जाते हैं सीआईआई इंडेक्स, हर साल आपको अपडेट करने पड़ेंगे, पुराने चेंज नहीं होंगे, एक एक नया बढ़ता जाएगा। तो अब जो सीआईआई इशू किया जाएगा वो किया जाएगा 2021-22 का, फिर ऐसे किया जाएगा 22-23 का, इस तरह से लिस्ट चलती रहेगी और सीआईआई आपके आते रहेंगे। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, अगर आपने कोई ट्रांसफर किया है 2001 से 2 के बीच में, 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2 के बीच में, तो आपके जो काम का सीआईआई है वो ये वाला है। अगर आपने कोई ट्रांसफर एग्जीक्यूट करी है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 12 के बीच में, तो आपके लिए जो सीआईआई है वो ये वाला काम का सीआईआई है।
तो अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, जिस डेट पर ट्रांजैक्शन एक्चुअली में ट्रांजैक्ट हुई है, सेल हुई है, ट्रांसफर हुई है, वो वाला डेट आप देखो कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है। जिस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है वो वाला सीआईआई आपके लिए काम का सीआईआई हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक और बात छोटी सी सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। इंडेक्सेशन किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि इस पर मैं अभी आपको बहुत सारा एनालिसिस करवाऊंगा और मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा। आप इस क्वेश्चन को मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, पर्सनल कॉल पर बताओ, कॉल करके बताना चाहो कॉल करके बताओ, एंड इट इज अ ओपन चैलेंज टू यू कि जो स्टूडेंट मुझे इसका आंसर देगा, जो स्टूडेंट मुझे इसका आंसर देगा, मैं समझ जाऊंगा कि वो स्टूडेंट मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत ध्यान से समझता है और इंप्लीमेंट भी करता है। सुनिएगा मेरी बात को, इंडेक्सेशन किया जाएगा अगर एसेट का नेचर लॉन्ग टर्म होगा। That's it. इतनी सी बात है। इंडेक्सेशन विल बी अप्लाई इफ द नेचर ऑफ द एसेट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो इज दी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर कोई कैपिटल एसेट जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नेचर लॉन्ग टर्म है तो उसका इंडेक्सेशन किया जाएगा, लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म हुई तो उसका इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। सर मान लीजिए मैंने 2006 में कोई एसेट परचेज करी थी, 2020 में मैंने उसे बेच दिया, तो क्या मैं इंडेक्सेशन करूंगा? बताइए क्या ये लॉन्ग टर्म है? सर है, 2006 से लेके 2020 तक 14 साल होते हैं, 14 साल में तो वैसे भी कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म बन जाएगी। भाई ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम चाहिए आपको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए बताइए। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए तीन बातें बताई थी, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 36 महीने कम से कम वो पीरियड है, सॉरी 36 महीने ज्यादा से ज्यादा वो पीरियड है जिसमें कोई भी एसेट क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म। तो अगर आप कोई एसेट 3 साल, 36 महीने को कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 3 साल, तो अगर आप कोई एसेट 3 साल से ऊपर रख लेते हो तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म। और अगर वो लॉन्ग टर्म हो गई तो फिर आप क्या कर दोगे, उसका इंडेक्सेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, उसका इंडेक्सेशन कर दोगे। इंडेक्सेशन का मतलब क्या, आप उसको सीआईआई से डिवाइड और सीआईआई से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कैलकुलेशन लगा लोगे। क्लियर? तो अगर कोई एसेट लॉन्ग टर्म है तभी ये काम करना है, अगर कोई लॉन्ग टर्म नहीं, अगर कोई एसेट लॉन्ग टर्म नहीं है तो फिर ये काम मत करने बैठ जाना। ऐसा मत सोचना मैंने 2018 में कोई चीज खरीदी थी, 2020 में मैंने बेच दी, तो 2018 की और 2020 में तो बहुत फर्क है वैल्यू में। 2018 में महंगाई अलग थी, 2020 में महंगाई अलग है, इन्फ्लेशन आ गया, तो चलो इंडेक्सेशन कर दें। रुक जाओ, गलती कर बैठोगे, इंडेक्सेशन नहीं होगा। क्योंकि यहां पर अगर मान लो 36 महीने से एक दिन कम रह गया, वैसे तो देखो 2018, 19, 20, 36 महीने पूरे होते ही नहीं है, तो अगर कहीं पर 36 महीने से एक दिन भी कम हो गया उस एसेट को लॉन्ग टर्म बनने के लिए तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ऑल्दो 3 साल का डिफरेंस है बट फिर भी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। तो इंडेक्सेशन कब करेंगे, ओनली द केस वेयर द कैपिटल एसेट जो कि ट्रांसफर हो रही है इज दी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं तो इंडेक्सेशन भी नहीं, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन कर देंगे। क्लियर है यहां तक? आइएगा वापस मेरे साथ इंडेक्सेशन वाले पार्ट पर, बुक पर, देखते हैं क्या लिखा है इंडेक्सेशन के बारे में। वेयर द कैपिटल एसेट इज अ लॉन्ग टर्म, टू डिटरमाइन द कैपिटल गेन या लॉस वी नीड टू टेक द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सीओए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोआ,
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ओई, इसके बदले हम क्या ले लेंगे, इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड ले लेंगे। तो सीओए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आईसीओए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे। कैसे निकालेंगे, कंप्यूटेशन क्या होगी इसकी, देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सीआईआई, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, जिस साल आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां लिख लीजिए, मान लीजिए आप एसेट का ट्रांसफर कर रहे हैं 2021 में, एंड डिवाइडेड बाय द सीआईआई फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी और प्रीवियस ईयर 2001 टू विच एवर इज लेटर। तो ये यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, मान लीजिए आपके कहते हैं कि प्रॉपर्टी मैंने 1980 में खरीदी थी, परचेज करी थी, तब मैंने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा था। अब ये प्रॉपर्टी मैंने 2020 में बेच दी, तो यहां पर दो चलो 2021 में बेच दी है प्रॉपर्टी मैंने, मैं यहां पर 21 कर देता हूं। तो अब आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय सीआईआई 2021 का लेंगे, सीआईआई ऑफ 2021, फिर डिवाइड करेंगे सीआईआई उस साल का जिस साल आपने ये एसेट खरीदी थी। तो खरीदी कब थी आपने, 1980 में। तो सर 1980 का सीआईआई कहां से लाऊं, 1980 का सीआईआई तो मेरे को दिया ही नहीं है चार्ट में। तो यहां पर उन्होंने फॉर्मूले में क्या लिखा कि 1980 का सीआईआई मत लो, उस साल का सीआईआई लो जिस दिन आपने उस एसेट को फर्स्ट हेल्ड किया था, या फिर प्रीवियस ईयर 2001 टू विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आ जाए। तो ऐसा करके उन्होंने क्या बोला, 1980 का सीआईआई भूल जाओ, यहां पर आप सीआईआई ले लो ऑफ 1980 और 2001 टू विच एवर इज लेटर। तो बताओ क्या आएगा बाद में, 1 2 आएगा ना, सॉरी 1 2 है, ये 20 नहीं है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, इट्स 1 2। तो यहां पर आप ये वाला सीआईआई लेंगे, ना कि 1980 का लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी मैंने 2004 में खरीदी थी, तो अब मैं कौन सा सीआईआई लूंगा, आप बताओ, 2004 का और 1 2 का विच एवर इज लेटर, तो लेटर क्या आएगा, 2004 आएगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आप क्या करेंगे, सीआईआई से डिवाइड कर देंगे। एक और बात यहां पर आप भूल गए होंगे, ये 1 लाख रुपए भी यहां नहीं लिया जाएगा, यहां पर भी क्या लिया जाता था, कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, याद है या भूल गए। ये देखो, इन केस ऑफ अ परचेज ऑफ एसेट्स, यहां पर देखो, इन केस ऑफ अ परचेज ऑफ एसेट्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जहां पर आपने एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी थी, तो वहां पर हायर ऑफ द फॉलोइंग आपकी कॉस्ट होती थी, जितने में आपने खरीदा है वो, और जो उसकी 1/4/2001 को एफएमवी है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपकी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती थी। तो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, 1 लाख रुपए में आपने 1980 में खरीदा था, तो यहाँ 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, और जो एफएमवी इसकी रही होगी, एफएमवी ऑन 1/4/2001, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो यहां पर आएगा एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम बेसिस पर आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लिखा हुआ है, देखिएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में क्या लिखा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सो इसको आप इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं, इंप्रूव मेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और सीआईआई फॉर द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट टू द एसेट टुक प्लेस। तो मान लीजिए आप ये कहते हैं मैंने 2004 में इंप्रूवमेंट की थी 1 लाख रुपए से, 2020 में मैंने इसको बेच दिया, तो आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन कैसे करेंगे, 1 लाख रुपए लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सीआईआई 2020 का और डिवाइड कर देंगे
सीआईआई 2004 का। क्लियर है? सिंपल इतनी सी बात यहां पर आपको अप्लाई करनी है। मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन लिख के नहीं है कोई, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। आप जितना इसमें दिमाग यूज करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, उतना आप इसके आंसर पर पहुंच जाएंगे। मैं पहले अपनी बात को समराइज कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। क्या आप मेरी इस डिस्कशन से, जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कशन किया, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वी नीड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वी नीड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? आंसर इज यस, हम एग्री करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई दो ओपिनियन नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में हम इंडेक्सेशन करते हैं, हालांकि एक्सेप्शन आएंगे, वो एक्सेप्शन मैं अलग से डील करवाऊंगा, बट वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। दूसरा मेरा पॉइंट, क्या आप एग्री करते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? ये पहला क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी आपको सूटेबल हो, कॉल करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। क्या ये हायर होती है? क्या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से? बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सोच के। पहले क्वेश्चन में तो हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाए, मैं कह सकता हूं 100% लोग सही आंसर दे देंगे पहले क्वेश्चन का, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में मुझे अभी भी डाउट है। मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर हो सकती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के? तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बराबर हो सकती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के? ये तीन क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है ये वाला, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से? यस और नो, यहां मुझे जवाब आंसर चाहिए यस या नो में। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर हो सकती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के? यस या नो में जवाब दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बराबर हो सकती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के? अगेन यस या नो में जवाब दीजिएगा। आपके पास कल तक का टाइम है, मैं जब अगली क्लास रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इसका आंसर वहां पर बताऊंगा वीडियो के अंदर ही। तो मेरे वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जिन जिन के मेरे पास आंसर आ जाएंगे, वहां पर मैं उन लोगों को एक्नॉलेज कर दूंगा कि देखो इन लोगों ने मेरे को सही जवाब दिए थे और इनकी इंटरप्रिटेशन ये थी, इनकी इंटरप्रिटेशन गलत थी या सही थी। तो कल तक आप मुझे इस पर जवाब दे सकते हैं, उसके बाद तो फिर मैं वीडियो में इसका आंसर दे ही दूंगा कल वाली वीडियो में। चलिए वापस आ जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। क्यों किया जाएगा फिर से सुन लो, अगर एसेट का नेचर लॉन्ग टर्म हो गया, मतलब जिस एसेट को आप बेच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर की है, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन कर दो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन कर दो, एंड उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? यहां तक सारी बातें हमें क्लियर है।
आपके लिए एक स्पेशल नोट है जो मैं अभी आपको जस्ट बता ही रहा था कि मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा इस बात के, वो एक्सेप्शन में है। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट अप्लाई टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ बॉन्ड्स और डिबेंचर इशूड बाय एनी कंपनी और गवर्नमेंट। हाउ एवर देयर आर टू एक्सेप्शन टू दिस रूल। मतलब इंडेक्सेशन नहीं करेंगे हर उस बॉन्ड का और डिबेंचर का जो कि इशू किया गया होगा कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर आपके बॉन्ड या डिबेंचर इशू हुए हैं तो उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। आप ऐसा मत समझना जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर यहां छुपा हुआ है। नहीं, यहां नहीं छुपा हुआ है, बिल्कुल भी यहां नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर तो अलग ही चीज है, इसको आप बिल्कुल अलग से कंसिडर करिएगा। मैं यहां पर यह कह रहा हूं या लॉ यहां पर यह कह रहा है कि जो हम इंडेक्सेशन करते हैं ना लॉन्ग टर्म के केस में, वो नहीं करेंगे अगर बॉन्ड या डिबेंचर इशू हुआ होगा कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, तो हम वहां पर इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। इतनी सी बात यहां पर लॉ कह रहा है। क्लियर। अब आगे देखिए कैपिटल, अच्छा इसमें लिखा है हाउ एवर देयर आर टू एक्सेप्शन, लेकिन दो एक्सेप्शन है इस बात के, इसका मतलब जहां पर हम इंडेक्सेशन कर देंगे, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट और सोवनियर गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई अंडर द सोवनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015, तो यहां पर इंडेक्सेशन कर देंगे। देखो ऊपर क्या बोला उन्होंने, बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होगा, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है या सोवनियर गोल्ड बॉन्ड 2015 स्कीम वाले आरबीआई इशू करती है तो उस केस में इंडेक्सेशन कर देंगे। सो इन दिस केस, इन द केस ऑफ डेप्रिशिएट, अच्छा ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट है छोड़ दीजिएगा, तो ये मैं आपको डेप्रिसिएशन के वक्त पर बताऊंगा जब मैं आपके साथ डेप्रिसिएशन की बातें करूंगा, जो कि मैं कवर करूंगा आपके साथ पीजीबीपी में, तो केवल पढ़ के छोड़ देते हैं। In case of a depreciable asset, which will be discussed later, there will be no indexation and the capital gain will be always short-term capital gain. तो ये point छोड़ दीजिएगा capital gain के chapter, sorry PGBP के chapter में, जब मैं आपको depreciation कराऊंगा section 32, वहां पर मैं आपको capital gain की बातें बताऊंगा जो कि relevant होंगी depreciation से related. However, cost of improvement does not include any expenditure which is deductible in computing the income chargeable under head income from house property, PGBP or income from other source. तो यहां पर ये क्या बोला इन्होंने कि अगर आपका कोई खर्चा है जिस खर्चे को या तो आपने PGBP में expense मानते हुए deduction ले ली है, house property में आपने उसकी deduction ले ली है या other source में आपने उसकी deduction ले ली है, तो उस खर्चे को capital gain में एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हम उसे ऐसा मान लेंगे कि वो खर्चा है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो आपको डबल बेनिफिट मिल गया। एक तरफ तो आप पीजीबीपी में खर्चा मानते हुए अपनी इनकम कम कर गए, टैक्स कम हो गया, या आपने हाउस प्रॉपर्टी में उसे खर्चा मान लिया वहां पर आपने टैक्स बचा लिया, या आपने अदर सोर्स में उसकी डिडक्शन ले ली और टैक्स बचा लिया, और आप यहां पर भी उसकी डिडक्शन ले लोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को बढ़ाकर। आप समझ रहे हो बात को? देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बढ़ा दूं तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को बढ़ाकर कैपिटल गेन कम हो जाता है। मैथमेटिक्स तो समझ रहे हो ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर बढ़ जाएगी और सेल कंसिडरेशन में से हायर वैल्यू माइनस हो जाएगी तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा, तो कैपिटल गेन कम होने से आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, तो डबल बेनिफिट आपको नहीं लेने देंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं यहां पर, हाउएवर एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में शामिल नहीं करेंगे एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर कोई खर्चे की आपने डिडक्शन पीजीबीपी में ले ली है, कैपिटल अदर सोर्सेज में ले ली है या हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ले ली है, तो उस खर्चे को फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में शामिल नहीं करेंगे। ये एक बात है जो आपको यहां पर याद रखनी होगी। तो आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई भी किसी को कैसा भी कोई डाउट नहीं होगा।
अगर है तो प्लीज कनेक्ट करिए उससे, वो डाउट हाथ की हाथ डिस्कस करिए, क्योंकि डाउट जितना जल्दी आप क्लियर कर लेंगे उतना आप अपनी स्टडी को स्पीड में कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में डाउट रह गए तो अगेन आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आपके माइंड में बार 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 वही चीजें स्ट्राइक होती रहेंगी, और हो सकता है जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर ना हो आप आगे की चीजों के लॉजिक या उनकी लिंकिंग को समझ भी ना पाए। क्लियर है हम यहां तक? चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे सामने क्या पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको इंडेक्सेशन करना होगा। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर मैं इसको नंबर दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसको फिर दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। राम परचेज्ड अ प्लॉट ऑन 4/1/1978 फॉर ₹50,000। दिस प्लॉट वॉज सोल्ड बाय हिम ऑन 9/2/2020, 9 सितंबर 2020 को बेच दिया फॉर ₹16 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्लॉट एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज ₹5,11,200। द एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर वर ₹2% ऑफ द सेल्स प्राइस। कंप्यूट द कैपिटल गेन। तो अब आपको यहाँ पर कैपिटल गेन बताना है, तो आइए इन सारे फैक्ट्स को एक बार यहां लिख लेते हैं अपने सामने। सेल कंसिडरेशन कितना है? ₹16 लाख। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है? 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन। उसके बाद ये परचेज कितने में किया था आपने? परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने परचेज किया था ₹50,000 में, और FMV इसकी दी हुई है ₹5,11,200। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अ परचेज ऑफ एसेट्स जो कि आप 2001 से पहले खरीद लेंगे, 2001 से पहले 1 अप्रैल 2001 से पहले जो एसेट आप खरीद लेंगे उसकी FMV और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर आपको लेना है एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इतनी बात याद है ना? ठीक है, अभी अभी जस्ट दिखाई है मैंने थोड़ी देर पहले ही, फिर से एक बार अगर देखना हो तो आप यहां आके देख लीजिएगा। ये देखिए, इन केस ऑफ अ परचेज ऑफ एसेट अगर बिफोर 1/4/2001 है, क्योंकि मैंने यहां बताया था बेंचमार्क लग गया, 2001 के बाद एक नई जिंदगी शुरू करी इन्होंने, 2001 से पहले के सारे पाप इन्होंने धो दिए FMV के थ्रू। तो उन्होंने बोला जो भी आपकी कॉस्ट है और जो FMV है विच एवर इज हायर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रेजेंटेशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं यहाँ। यहां पर आप लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन कितना है? ₹16 लाख। माइनस क्या करेंगे आप इसमें से? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जो कि कितना है? 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो कितना आ जाएगा 2% इसका करने पर? मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। हां जी, कैलकुलेटर ले लिया मैंने, 16 लाख का 2% आ गया ₹32,000। ज्यादा हो गया 32,000। तो यहां पर क्या आ गया मेरे सामने? नेट सेल्स कंसीडरेशन कितना आ जाएगा? ₹15,68,000। क्लियर? माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, आपने प्रॉपर्टी कब परचेज करी थी? आपने प्रॉपर्टी परचेज करी थी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं।
आपने प्रॉपर्टी परचेज करी थी 1978 में, 78 से लेके 2020 तक, क्या ये लॉन्ग टर्म नहीं हुई होगी? हो गई होगी सर, 36 महीने मूवेबल प्रॉपर्टी है, 24 महीने चाहिए, 24 महीने से एक दिन फालतू चाहिए, मतलब 24 महीने में एक दिन अगर ऊपर हो गया तो ये लॉन्ग टर्म हो गई। तो यहाँ 78 से लेके 2020 तक क्या लॉन्ग टर्म नहीं हुई होगी? सर हो गई होगी। तो क्योंकि प्रॉपर्टी का नेचर लॉन्ग टर्म है, तो अब आप यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये कैसे निकालेंगे आप ये कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी मैंने ली थी 50,000 रुपए में, तो 50,000 रुपए का इंडेक्सेशन करेंगे, या 50,000 और FMV विच एवर इज हायर, जो वैल्यू आएगी उसका इंडेक्सेशन करेंगे। कितने लोग कहते हैं 50,000 का करेंगे? जितने कहते हैं 50 का करेंगे सब गलत कहते हैं। मैंने बताया था 2001 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी होगी, 1/4/2001 से पहले की प्रॉपर्टी परचेज होगी, तो वहां एक्चुअल कॉस्ट और 1/4/2001 की FMV विच एवर इज हायर। तो यहां पर बताइए FMV कितनी है, 5,11,200, और कॉस्ट कॉस्ट कितनी है, 50,000। विच एवर इज हायर में क्या आएगा, 5,11,200। तो यहां पर आप करेंगे 5,11,200 मल्टीप्लाई बाय CII, कौन से साल का लेंगे, इन विच ईयर एसेट इज ट्रांसफर। तो आपने कब बेची है प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में देख लीजिए कब बेची है प्रॉपर्टी आपने, 2/9/2020 को बेची है। तो 2020 मतलब ये कौन से वाले में आएगा, 19-20 में आएगा या 20-21 में आएगा? कितने लोग कहते हैं 19-20 में आएगा? जितने कहते हैं गलत कह रहे हैं, ये 20-21 में आएगा। सितंबर 2020 कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में। तो यहां पर आप CII कौन सा लोगे, 301 रुपए, 301 लोगे, तो 301 ऊपर आ जाएगा। और डिवाइड किससे करना होता है आपको, देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के फॉर्मूले में जाइए, डिवाइड किससे करना है, जिस दिन हो जिस साल वो आपने एसेट पहली बार खरीदी थी, या फिर प्रीवियस ईयर एक दो, विच एवर इज लेटर। तो यहां पर लॉजिक पता है क्यों ज्यादा लिया है, क्यों लेटर लिया है, क्योंकि जो चीजें 2001 से पहले की हैं वहां पर वो साल का CII तो आप ले नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं, तो वहां पर 2001 दो को बेस बनाते हुए आप वो CII ले लो। तो वो CII कितना आएगा आपका, 100, क्योंकि वो CII शुरू कितने से होता है, देखो अगली टेबल पर, CII 2001 दो का जो CII है वो शुरू होता है 100 से। तो यहां पर आप क्या लेंगे, 100 निकाल लीजिए, कितनी वैल्यू आती है यहाँ पर, 5,11,200 इनटू में 301 डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी 15,38,712 रुपये। बस इम्प्रूवमेंट है नहीं क्वेश्चन में, तो हम लेंगे भी नहीं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनकम या लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा एग्जाम में, फुल फॉर्म में आंसर दीजिएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 15,68,000 माइनस 15,38,712, द आंसर वुड बी 2,92,88। ये मेरी इनकम होगी, जो इनकम होगी या लॉस होगा, इनकम होगी। तो ये वो मेरी इनकम है विच इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहां कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। आइएगा मैच कर लीजिए एक बार आंसर, 2,92,88, 2,92,88 कैपिटल लॉस, हाउ इट इज पॉसिबल, इट मस्ट बी अ कैपिटल गेन। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं कोई इशू तो नहीं है, हमने गलती तो नहीं करती। 16 लाख का 2%, 16 दूनी 32 माइनस हो गया 15,68, और ये 15,38,712। तो 5,11,200 का 301 डिवाइड 100, तो यहां पर आ गया 5,38,000। इट इज अ कैपिटल गेन, नॉट अ लॉस। तो प्लीज आप इसको यहां पर ठीक कर लीजिए, इट इज अ कैपिटल गेन। ठीक है जी, आइएगा नीचे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। राम ने ये परचेस किया प्लॉट 5/6/2006 को, 5 जून 2006 को 6 लाख रुपए में खरीदा। इस प्लॉट को उसने
2 सितंबर 2020 को 16 लाख रुपए में बेच दिया। मार्केट वैल्यू इसकी 1/4/2001 को 5,11,200 रुपए है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2% है। अब आपको कैपिटल गेन बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं काम कर लेता हूं। यहां पर इतने हिस्से को कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे चीजें दोबारा ना लिखनी पड़े। कॉपी, और मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये सब हटा देता हूं। मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, और यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए, 16 लाख रुपए तो 16 ही रहेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। 2% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन आपका कमीशन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेट सेल्स कंसिडरेशन 15,68,000 आ गए, यहां भी कोई चेंज नहीं है। अब सवाल बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर है जो आपको मुझे बताना है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन को देखिए, क्या आपने यहां पर प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले खरीद ली है? नहीं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले नहीं खरीदी है तो फिर उस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? सर, उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो मेरा एक्चुअल प्राइस ही होगा। फिर यहां पर मुझे एफएमवी नहीं लेनी। एफएमवी तो तब लेनी होती जब वो 1/4/2001 से पहले ही आपने खरीद ली होती। तो यहां पर आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो 6 लाख रुपए होगा, ना कि 5,11,200 रुपए होगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 6 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा 301 से, डिवाइड करूंगा 100 से, डिवाइड करूंगा या किससे डिवाइड करूंगा ये भी एक सवाल है। तो सर यहाँ 100 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, सीआईआई के फॉर्मूले में क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट इंडेक्सेशन में, सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड। आपने जब ये एसेट पहली बार हेल्ड करी थी, या फिर 1/4 मतलब प्रीवियस ईयर 1/2 विच एवर इज लेटर। तो आपने तो ये प्रॉपर्टी पहली बार कब हेल्ड करी? आपने प्रॉपर्टी पहली बार हेल्ड करी 2006 में। तो आप क्या लोगे यहां पर, 2006-07 का सीआईआई लोगे। तो 2006-07 का सीआईआई कितना आ गया, 122। आइए अप्लाई करते हैं इसको। यहां पर मैं डिवाइड करूंगा इसे 122 से। मल्टीप्लाई तो 301 से ही होगा क्योंकि ट्रांसफर आपका 2021 में हुआ है। निकालिए कितनी वैल्यू आती है, 6,00,000 × 301 डिवाइडेड बाय 122, दैट कम्स टू बी 14,80,328 रुपीज। बताइए कितना बच गया, 15,68,000 माइनस 14,80,328। तो यहां पर आ गया ये 87,672। ये क्या है मेरे लिए, इनकम है अंडर कैपिटल गेन। देखिए आंसर में क्या आ रहा है, 87,672, 87,672 एज ए कैपिटल गेन। तो आई होप आपको इंडेक्सेशन वाला पार्ट एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्सेशन कैसे करना है, कब करना है। लॉन्ग टर्म का केस होगा तो इंडेक्सेशन करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में ही कहूं कि ये जो एफएमवी है ये 5/11 ना होके 7 लाख होती, तो क्या आप एफएमवी लेते या तब भी आप 6 लाख रुपए ही लेते? सर, तब भी हम 6 लाख रुपए ही लेते। क्यों? क्योंकि एफएमवी वहां लेनी है जहां एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है। 1 अप्रैल 2001 के बाद की एसेट पर तो एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, फिर एफएमवी नहीं लेनी है। क्लियर है हम यहां तक? आइएगा नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। मैंने आपको इस पूरे फॉर्मेट के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिखा दिया है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बता दिया है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर बता दिया है, और बाकी तो सब फॉर्मूले से कैलकुलेट होंगी, ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके कैलकुलेट होंगी। द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट द सेल्स कंसिडरेशन। वट इज द सेल्स कंसिडरेशन? वट इज द सेल्स कंसिडरेशन? आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो नाउ मूविंग टू वर्ड्स दी
सेल्स कंसीडरेशन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दी फुल वैल्यू ऑफ अ कंसीडरेशन। बहुत ही छोटी सी बात है स्टूडेंट्स, बहुत कोई टेक्निकल बात नहीं होगी, मुझे बस आपको ये बताना है कि फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। आप खुद बताओ, बिना लॉ को पढ़े बताना क्या होगा। मैं आपको कोई चीज बेच दूं, जितने में मैं वो चीज आपको बेच दूं या मैं ट्रांसफर कर दूं, भले ही वो आप मुझे पैसा अभी दे रहे हैं या 2 दिन बाद देंगे या 2 साल बाद देंगे या 2-3 साल बाद देंगे या 10 साल बाद देंगे, तो वो पैसा मेरे लिए क्या है? सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब ये मत समझिएगा जो पैसा आपको मिलता है, नहीं, जो पैसा आपको मिलने वाला होता है वो भी आपके लिए सेल्स कंसिडरेशन होता है। जो अमाउंट आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया वो भी आपका सेल्स कंसिडरेशन है, और जो अमाउंट आपको रिसीव होगा वो भी आपका सेल्स कंसिडरेशन है। पढ़ लीजिए, लॉ में भी यही बात लिखी हुई है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन मीन्स द होल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरर विद द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। जब एक ट्रांसफरर कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करता है तो उसके द्वारा रिसीव कर लिया गया अमाउंट या रिसीव किए जाने वाला अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन कहलाती है। क्लियर, इतनी सी ही बात है यहां पर। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। हां जी, इसके बारे में 1, 2, 3, 4 और 5 बातें लिखी हुई हैं। अभी छोड़ दीजिए, मैं आपको जब इन सेक्शंस पर आऊंगा तब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा। अभी आपके काम का नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, ये अभी के लिए आप होल्ड कर दीजिए, ये मैं आपको फिर से बताऊंगा जब मैं इस रिस्पेक्टिव पार्ट पर आऊंगा। तो मैं खुद यहां पर हाईलाइट करके छोड़ रहा हूं अभी के लिए, इसको मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं रिस्पेक्टिव चैप्टर्स आपके साथ, रिस्पेक्टिव सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा, तब मेरे को ये समझाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। यहां मैंने क्यों दिया है लॉजिक बता देता हूं। याद है आपको मैंने लास्ट क्लास में एक्सेप्शन बताए थे, जहां पर कैपिटल गेन उस साल ट्रांसफर, उस साल टैक्सेबल होता है जब वो ट्रांसफर होता है, लेकिन 4 एक्सेप्शन थे, उन 4 एक्सेप्शन को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में रख दिया था। क्यों रखा था? ताकि आप रिवीजन के टाइम पर देख के समझ पाए कि अच्छा ये 4 केसेस ऐसे होंगे जहां पर कैपिटल गेन उस साल में टैक्सेबल नहीं होगा जिस साल एसेट ट्रांसफर हुई है। तो ऐसे ही ये है स्पेशल केस 4, जहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका जो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन होगा वो वैल्यू नहीं होगी जो आपको मिली है या मिलने वाली है, वो कुछ और होगी। तो ये इन 5 जगह पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वहां आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी। तो तब तक के लिए प्लीज आप इसे होल्ड कर दीजिएगा। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला जितना पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए मैं क्या करूंगा, याद है ऊपर 45A मैंने हाईलाइट करके छुड़वाया जहां मैं फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन बताऊंगा, तो अब मैं आपको 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4), 46(2) ये सारे सेक्शन एक एक करके मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। तो आज की क्लास में इतना ही है, इतने तक छोड़ देते हैं। आप इसको एक बार कवर करिएगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप उसको रिवाइज करिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। कैपिटल गेन में समटाइम आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसे एकदम से आपको बहुत अच्छी से सारी चीजें समझ आ रही थी पहले, हर चीज का लॉजिक था, यहाँ पर भी लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वर्ड्स टेक्निकल है, बोनस, शेयर, राइट इश्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इम्प्रूवमेंट, FMV, तो इन वर्डों से आपको घबराना नहीं है, आपको इनके साथ लड़ना है, इनके साथ जीना है और इन चीजों को समझ के जीना है। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, कैपिटल गेन में घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीजों को लॉजिक के साथ समझना है, जो लॉजिक मैं आपको समझाता जा रहा हूं हर छोटे छोटे प्रोविजन पर, हर छोटे छोटे पॉइंट पर। तो अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो चैप्टर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा।
और अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप वहां देखिएगा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे कि आपको डरने की कोई जरूरत हो। तो आज की क्लास को केवल इतना ही रोक देते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना मन लगाकर होमवर्क करिए, अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए, और जितने भी आपके पेंडिंग अभी तक लेक्चर रह गए हैं आप उन्हें कंप्लीट करिए। जल्द ही मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।